हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिंस। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोजीविट जेल। कोजीविट जेल के मैं आपको यूज़, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी इस चैनल पर लेके आता हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोजीविट जेल एक एलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि चेहरे पे झाइयाँ या फिर चेहरे पे पिंपल्स के निशान। इसके अलावा और किन किन कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कोजीविट जेल ये 15 ग्राम की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस होता है लगभग 325 रुपये, यानी 325 रुपीज़ ओनली। और इसे कंपनी बनाती है माइक्रो लैब और इसमें कॉम्पोजिशन होता है कोजिक एसिड, अर्बुतिन, मलबेरी एंड विटामिन ई। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किन किन कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों किसी के चेहरे पे अगर झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के निशान हैं उसे मिटाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी के आँखों के साइड में काले घेरे हो यानी डार्क सर्कल हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिन लोगों को गोरा होना हो, चेहरा अपना साफ करना हो, उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ स्किन लाइटनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करके उसे सुखा लें, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करें आँख, मुंह, नाक को बचा के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं और वो सोचते हैं तुरंत रिप्लाई मिल जाए। दोस्तों मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ तो जब आप कमेंट करते हो तो कुछ समय वेट कर लिया करो, जब मेरे को खाली समय मिलेगा तब मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए अब जानते हैं इसके फ़ायदे। जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं उसको ये धीरे धीरे ठीक करने लगता है, चेहरे पर से आपके झाइयाँ मिटा देगा बिल्कुल। और किसी के चेहरे पर अगर पिंपल्स के निशान हैं या किसी भी तरीके के निशान हैं तो उसे ये धीरे धीरे मिटा देता है, बस वो टाके के निशान ना हो। अगर आपको टाके के निशान मिटाने हैं तो आप आई बटन पे चले जाइए, आपको एक वीडियो मिलेगी मेडरमा क्रीम, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी को गोरा होना हो, चेहरा साफ करना हो तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम का अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये क्रीम बहुत अच्छा वर्क करती है इसके अंदर और ज़्यादा इसमें नुकसान भी देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ जिन लोगों के आँखों के साइड में काले घेरे होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उसको ये धीरे धीरे रिमूव कर देता है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि स्किन लाइटनिंग क्रीम बताइए हमें कोई अच्छी, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो और आपके चेहरे पे वो चमक देखने को मिलेगी जो पहले नहीं थी। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन हो या फिर चेहरे पर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही हो तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर किसी के चेहरे पर रेडनेस भी हो जाती है तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय बचा सकूँ और आसान भाषा में वीडियो लाता हूँ ताकि सब तक पहुँच सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।